पहले जीता वनडे, अब T20 की बारी। जीत के लिए हिटमैन की स्पेशल तैयारी। तीन दिग्गजों के साथ हुंकार भरेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के आराम के दिन अब खत्म हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए वो त्रिनिदाद पहुंच चुके हैं। रोहित के साथ ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक भी पहुंचे हैं। इसके अलावा आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव भी टीम इंडिया से जुड़ गए। ये सभी खिलाड़ी वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया के लिए T20 सीरीज में खेलेंगे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर धवन ने वनडे टीम की कमान संभाली। भारत ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में भारत की पूरी निगाहें अब T20 सीरीज पर है, जहां भारत जीत दर्ज कर इतिहास रचना चाहेगा और इसमें टीम इंडिया की 3 धुरंधर उनकी बड़ी मदद करेंगे। ऋषभ पंत, जी हां, वो ऋषभ पंत जिन्होंने इंग्लैंड में 2 शानदार सेंचुरी जड़ी थी, पहले टेस्ट में और उसके बाद फिर वनडे में। अब बारी ऋषभ पंत की T20 में सेंचुरी जड़ने की है। अब आप सोच रहे होंगे कि T20 सीरीज में आसान होता है क्या सेंचुरी जड़ना? तो ऋषभ पंत के लिए कोई भी काम मुश्किल होता है ये अपने आप से पूछिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इंग्लैंड में बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया उसे अब वो T20 सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे और वेस्टइंडीज की सरजमी पर इतिहास रचना चाहेंगे। ऐसे में T20 सीरीज में रोहित शर्मा के लिए उनके सबसे बड़े हथियार ऋषभ पंत हो सकते हैं। वो ओपनिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इंग्लैंड में किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये सीरीज ऋषभ पंत के लिए किस तरीके की जाती है। दिनेश कार्तिक, जी हाँ, दिनेश कार्तिक, वो दिनेश कार्तिक जो IPL के बाद कमाल का प्रदर्शन कर टीम इंडिया में एंट्री मार गए। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर उनका बल्ला शांत रहा, उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जो भी मौके मिले उसे वो भुना नहीं पाए। ऐसे में दिनेश कार्तिक के लिए 5 मैचों की T20 सीरीज बड़ी अहम होगी, क्योंकि अगर इन 5 मैचों में वो रन बनाते हैं तो ही वो वर्ल्ड कप के लिए खेल सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी होगा कि वो T20 टीम से पहले ही टीम इंडिया से बाहर हो जाए। सूर्य कुमार यादव, इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड में जिस तरीके की कमाल की सेंचुरी जड़ी उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था, भाई बल्लेबाज हो तो सूर्य कुमार यादव जैसा, क्योंकि इसी तरीके की बल्लेबाज की तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में तलाश है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए भी ये 5 मैचों की T20 सीरीज बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि अगर इन 5 मैचों की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली तो श्रेयस अय्यर उनसे पहले जगह बना लेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों में शानदार बल्लेबाजी की है, और अगर वो आने वाले समय में शानदार बल्लेबाजी करेंगे और ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक के साथ सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की तो हो सकता है कि सूर्या की जगह को खतरा हो जाए। ऐसे में दोस्तों ये 3 बल्लेबाज होंगे जो आने वाले समय में भारत के लिए वनडे सीरीज में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 3 बल्लेबाज होंगे जो आने वाले समय में T20 सीरीज में भारत के अहम हथियार होंगे, और देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से इन 3 खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन 3 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी इस सीरीज में जीत का हीरो बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।